नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर संभाग आईजी अविनाश शर्मा के साथ दबंग न्यूज के संवाददाता मनोज चतुर्वेदी से खास चर्चा करते हुए बताया कि चुनाव कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। विशेष संवाददाता इस समय ग्वालियर आईजी महोदय श्री अविनाश शर्मा जी के साथ, और जैसा कि आपके बारे में जानकारी परिचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप स्वयं अपने आप एक परिचय हैं और एक हमारे लिए पत्रकार हों या किसी के लिए एक बड़ा माननीय बड़े भाई के रूप में भी, स्नेह के रूप में भी मार्गदर्शन हमेशा समय आने पर करते रहते हैं। तो आइए पहले तो वो है, तो आदरणीय पहले तो दमन चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय आप में ये आए हैं वह ग्वालियर की सिचुएशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग 3 माह मुझे हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर अभी उपचुनाव है। पूरे ग्वालियर जोन में 8 जगह, हर जिले में 4 जिले हैं मेरे पास, हर जगह कहीं ना कहीं बाय इलेक्शन है। तो ये हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण अवसर है कि हम निष्पक्ष रहकर और निष्पक्षता के साथ हम लोग पूरे चुनाव करा सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज वर्तमान में है और हम लोग लगातार इस संबंध में प्रयासरत हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 29 मई से लागू हो चुका है, उसके अनुरूप हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी आचरण करें। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज से भी हम करवाएं और जितनी भी और भयमुक्त वातावरण में फ्री एंड फेयर पोल जनता कर सके, ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग दौरे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, ऐसे लोग जो कि उन से प्रभावित हो सकते हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। थाना स्तर पर, एसपी स्तर पर भी उनके मोबाइल नंबर से लेकर के उनसे बातचीत करने की व्यवस्था की गई है कि आपको कोई भय तो नहीं है। इसके अलावा लगातार हमारी फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी फ्लाइंग स्क्वाड दौरे कर रही है। एसएसटी वगैरह भी जगह जगह कार्यरत है, खास करके जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर एसएसटी का विशेष रोल है। अभी हमने एक स्थान पर ग्वालियर जिले में 10 लाख रुपए का कैश परिवहन होते हुए पकड़ा है, और भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले चुनावी सभाओं को लेकर के हों या नामांकन प्रक्रिया के दौरान हों या अन्य कोई ऐसे विषय हैं जो कि एक पुलिस अधिकारी भी हमने इसमें निलंबित किया है, क्योंकि वो एक कैंडिडेट विशेष को चाय पिलाते हुए उसका एक फोटो पब्लिश हुआ था। ऐसे हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं। इसी दौरान वीआईपी विजिट्स भी हैं, तो हमें वीआईपी सुरक्षा पर भी ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि COVID-19 की जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन भीड़ में हो, कितनी भीड़ होना चाहिए इसकी अनुमतियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थानों को, ग्राउंड को चिन्हित करके उसकी संख्या निर्धारित करके उस प्रकार की अनुमतियाँ जारी की जा रही हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन इसकी व्यवस्था है या नहीं उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ उल्लंघन हो रहा है उसके संबंध में हम लोग FIR। जैसे कि आपने कहा था कि इस समय एक और चुनौती आई है कि जो पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग के द्वारा 1000 से ज़्यादा मतदान के कारण ना हो, 1000 से ज़्यादा वोटरों के कारण लिमिट सीमा रही है, उसके कारण पोलिंग बूथ भी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स पर भी आप? हाँ नहीं, वो पूरा फोर्स हमको मिल रहा है, फोर्स की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उपचुनाव है और हर जगह चुनाव नहीं है। हमारे जिले में भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, पूरे संसाधन अगर हम लगाएंगे तो लगभग उसकी पूर्ति हो जाएगी। जहाँ नहीं हो पाएगी हमको बाहर से जिला पुलिस बल भी मिलेगा, और आदेश हो गए हैं, आना भी चालू हो गया है, और
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये भी हमको चुनाव के काफ़ी समय पूर्व, जो पोलिंग डे है 3 नवंबर, उसके काफ़ी समय पूर्व 15-18 दिन पूर्व यहाँ पर आने की सूचना प्राप्त हो गई है, और उनसे हम एरिया डोमिनेशन कराएंगे और जनता में ये विश्वास उत्पन्न किया जा सकेगा कि निर्भय होकर निष्पक्ष होकर आप बताएं। लास्ट प्रश्न एक और है कि जैसे कि आपकी जो कार्यशैली है, आप हमेशा, हम भी आपकी कार्यशैली से संबंध में हैं साथ, तो आप हमारे चैनल के द्वारा आप क्या संदेश वर्तमान की स्थिति पर देना चाहेंगे? मेरा यही है कि आप आम जनता जो है COVID-19 को लाइटली ना लें, मास्क ही बचाव है, जैसा कि अभी एक 10-15 दिन से एक नारे के रूप में भी सामने आया है। मास्क एक ऐसा बचाव का साधन है जो कि आसानी से उसको प्राप्त किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, हाथों को आप लगातार धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग केवल एक नारा बन के ना रह जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पर्याप्त दूरी रखें, जहाँ आवश्यक हो जब आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। अभी सामान्य कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, एट दी सेम टाइम हमारे चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था COVID-19 के मद्देनजर की गई है, उसके तहत पोलिंग स्टेशन की संख्या भी पर्याप्त संख्या में बढ़ा दी गई है, ताकि वहाँ पर जो है भीड़ की स्थिति को टाला जा सके। तो वो पूरे गोले वगैरह सब बनाए जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं वहाँ रहेंगी, और निर्भय होकर उसमें COVID-19 से बचाव के साथ में आप मतदान कर सकते हैं, ऐसी समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। अब बात केवल यह है कि मतदाताओं को इसका पालन करना है और COVID-19 से सावधानी की आवश्यकता है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, और मेरा अनुरोध है कि COVID-19 के मद्देनजर भी अधिक से अधिक मतदान, जितना होता है उससे भी ज़्यादा मतदान के लिए लोग आए। हम लोग पूरी सुरक्षा के देते हुए, निर्भीकता प्रदान करते हुए हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि लोग आकर के निर्भय होकर के अपना मतदान करें, और COVID-19 के नॉर्म्स के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा की गई। जैसा कि साफ संकेत है कि हमें ना यहाँ पर, जैसे आपका आदरणीय की कार्यशैली बहुत ही प्रभावशाली रही है, उन्होंने साफ कह दिया कि हम कोरोना की दृष्टि पर विशेष ध्यान दें और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो पूरी कोशिश है उस पर अमल होगा। साफ निर्देश है, मैं आज हमको समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और मैं यही कहूँगा कि जो आदरणीय ने कहा है, आजी साहब ने कहा है कि कोरोना के साथ को पालन करते हुए मतदान करें और स्वयं सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी हूं न्यूज चैनल के लिए ग्वालियर से, अपने कैमरामैन रवि शर्मा और रवि परिहार के। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज को और बेल आइकन।